फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और मैं कुछ दिन पहले अपनी दीदी के यहाँ गई थी। वहाँ पर मैंने ये वेस्ट बॉटल देखी, ये खाली ऑयल की बॉटल वो फेंकने वाली थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बॉटल मुझे दे दो और मेरे लिए चाय बनाओ और साथ में मैं समोसे भी खाऊंगी। तो उन्होंने कहा, आप इस वेस्ट बॉटल का क्या करोगे? मैंने कहा, मुझे समोसे बहुत पसंद हैं, तो आप समोसे ऑर्डर करो और मैं देखती हूँ कि मैं इसका क्या बना सकती हूँ। तो मैंने इस बॉटल को कट करके इसके दो पीस किए और इसके ऊपर के पीस को नीचे के पीस में मेजरमेंट लेके होल बनाया और ऊपर का पीस नीचे फिट कर दिया। और ये देखिए, मेरा आधा काम हो गया। ये कितना अच्छा और यूनिक सा लग रहा है। अब मैंने इसकी कैप को ऊपर फिट कर दिया और मैंने इस पे वाइट कलर कर दिया। ये वाइट कलर और स्पॉन्ज जो बहुत जल्दी और इजीली हो जाता है। इसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा सूखने दिया। तब तक मैंने चाय पी ली और समोसे भी आ गए थे, तो मैंने समोसे भी खाए जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद उनके पास ये थ्रेड रखा था, उसको भी मैंने इस पे ऐसे पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद इस पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर कर दिया। कौन से ही ब्लैक कलर को थोड़ा सा स्प्रेड किया। अब ये मुझसे बोला कि मैं तो बहुत खाली खाली लग रहा हूँ, जबकि दीदी को ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कुछ और भी इस पे करना चाहिए। तो मैं जल्दी से जाके मार्केट से पुट्टी ले आई और मैंने दीदी से कहा कि आप मेरे लिए राजमा चावल बना दोगे प्लीज़, क्योंकि मुझे राजमा चावल खाने हैं। आपको भी राजमा चावल अच्छे लगते हैं क्या? या फिर आप चावल को किसी और चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं, जैसे छोले चावल, कढ़ी चावल या दाल चावल? लेकिन मुझे तो राजमा चावल ही पसंद है। ये मैंने वॉल कुट्टी का आटा जैसा गूंथ लिया। तो दीदी बोले कि तुमको तो आटा गूंथना अच्छा नहीं लगता है, अब तुमने कैसे किया? तो मैंने उनसे कहा, ये तो मेरी हॉबी है। उसके बाद मैंने जो डो था वॉल पुट्टी का, उसे छोटी छोटी पेटल्स बनाई और इस तरह से उसके बीच में लाइन कर दी। आप इसको नाइफ से भी कर सकते हो। और इन सब को मैंने सूखने दिया। जब ये सब सूख गए तो मैंने इन पे कलर किया और फ्लावर्स बहुत सारे कलर्स के और बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, तो आप इस पे कोई भी कलर कर सकते हो। मैंने इस पे येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन किया है और साथ में बीच में एक छोटी सा राउंड बनाकर उसको डार्क ब्लू कलर से कलर करके इनको ड्राई करके इस पे लगा दिया और ये बहुत प्यारा लगने लग गया। फिर मेरे पास छोटे छोटे जो पेटल्स बच गए थे, उस पे मैंने डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर करके इसमें नीचे भी लगा दिए, तो ये और भी ब्यूटीफुल लगने लग गया है ना। अब थोड़ा सा डो मैंने फिर से लिया और उसकी ऐसे पाउडर स्प्रेड करके पतला पतला बेल लिया। आप चाहें तो किसी भी बॉक्स से इसको इस तरह से कर सकते हैं। और मैंने इसमें नीचे की तरफ गिरते हुए इसको लगा दिया, जैसे ये नीचे कोई टहनी गिर रही हो, किसी पेड़ की टहनी हो। और इन सबको जब मैंने इस तरह से लगा दिया, उसके बाद फिर से ग्रीन कलर कर दिया जब ये पूरी तरह से सूख गया। और नीचे भी मैंने ब्राउन कलर कर दिया, जिससे ये बिल्कुल ट्री जैसा लुक आ गया इसका।
और ये दीदी को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा ये तो मैं तुमको नहीं दूंगी, अब तो मैं इस बॉटल का यूज़ करूंगी, अब तो मैं इसमें प्लांट्स लगाऊंगी। क्या आपके पास भी बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल्स या कंटेनर्स हैं? तो आप उनको फेस समझ के बेसन मत फेंकिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है। आप इनको रीयूज़ और रिसाइकल कीजिए और अपने घर को इसी तरह से डेकोरेट कीजिए और अपने आसपास गंदगी मत फैलने दीजिए। और अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल पाएंगे ना। थैंक यू।